बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप साहब? अमेरिका के आप साहब देर से होंगे, रब्बल आपको खुश रखे, हर आने वाले दुख तकलीफ तो जा दे। इस जी प्यारे जी दुआ नाल आज दा ब्लॉग शुरू कर दे, शुरू कर बिल्कुल जस कर दे। जेडे जेडा किसे नवे जेडा सर साहब दा प्रवीण चैनल सब्सक्राइब नहीं कीता, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि सके आने वाली आपकी वीडियो नोटिफिकेशन मेरे पैन पे वो टाइम तक पहुंच सके। आज दी वीडियो जी बहुत दिलचस्प है, मेरे पैन का मेरे नाल रहना, मेरी हर वीडियो अच्छी होती है, देखना देखना मेरे भैन भरावों की मेहरबानी है, यह कुछ कह सकते हैं। अच्छा जी पहले तो अपनी भैन अब्दुल बारे गल करा थोड़ी कि पहले उन्होंने बेटियां हैं मेरे को, मेरिया बेटिया नूर फातमा रीदा फातमा, तो अब मेरी भैन भी मेरे को पहुंच चुकी है, तो उन्होंने पहुंची है थोड़ी देर हो गई, हाल बुरखा उतार के स्टॉलर लैके बैठी है तो परेशान है बहुत ज़्यादा, जेहरी तौर पर मैं टेंशन ले दी, परेशान नहीं हुई था, अल्लाह खैर करो दूर करूँगा। और सब्जी वाला जी बाहर आ गया सीगा, तो सब्जी ली है, सब्जी शेयर कर दे कि सब्जी ली है, सब्जी बहुत महंगी है, हाथ नहीं लगता सब्जी है, दिखाओ जरा टोकरी बेटे उसे, मेरे भैन भरा दुआ कर रहे हैं कोई काम मतलब के घर का करा रहे हैं, तो वो भी जिदा फातमा एम बेटे उठा इधर नाल खड़ी होकर टोकरी घेरी कर आज तुम्हें कह रहा कोई गल नहीं ब्लॉग चाह रहे हैं मैं भैया ज्यादा इंतजार हूँ जी निधा फातमा गया ब्लॉग च अपने जरा भाई पराठे बना के देने हां जी, क्योंकि निधा फातमा भी मूली आले पराठे शौक नाल खांदे। चने माशाल्लाह जी प्याज चने आलू धनिया वगैरह टमाटर लसन लसन आप लेना पै रहा चने काम हो गया वा ते मूलियां ले पत्ते धनिया मूलियां टमाटर मटर सॉरी मटर गाजर सब मिर्चा सब तलियां आ जी गाजर है ना जी एवं दस दवाजे करके ए गाजर मैं नहीं आ गजरेले वास्ते एदा बनाना गजरेला और ए जड़ी है आलू ए सारी सब्जियां जड़ी लईयां ने कोई नहीं तो माशाल्लाह जी सब्जियां बेगम साहब ने सुबह सुबह ही ले लिया सी केंद्र असं अपने भैन भैन भी शेयर कर लीए तो नाले मेहमान अगर भी पूछ लीए उन्होंने अच की पकवाना तो की खाना तो की उन्होंने फरमायश है जी। हाँ जी ए जी गाजर जी मैं लिया ने कहते मैं बनावगी गजरेला जो मैं गई सी जलालपुर पीर आए तो उदो मैं उ दुध लैके आई सी दुध उदो का मैं फ्रीजर रखा बर्फ वाले खाने बर्फ बनया पिया हूँ मैं अज आप आई आ चलो मैं गजरेला बना ली हूँ ये गाजर जीडिया वा ये मैं गजरेले वास्ते लिया वा आज ये गाजर आ ये मैं पकाने वास्ते ली है तो मटर लेने मटर जो आलू मटर खाने होंगे तो आलू मटर खा खा लेने गए जो मतलब गाजर आलू खाने आलू गाजर खा लेने गए इस तरह करके भी मैं मतलब दो सब्जियां अपनी पकाने वास्ते लिया ए मैं इस तरह लेने आलू मैं 5 किलो ता लेने
मेरे घर मिस्त्री वगैरह लग रहे ने, मैं काम करा रही हूँ थोड़ा बहुत घर का, दवा करनी मेरे भैन भाइया ने आगे जो घर का काम आ सारा बिलकुल बंद हो जाए, अल्लाह करे अल्लाह सा मदद करे, अल्लाह की मदद सब कुछ होगा वा। हाँ जी कह रही है मतलब के समान लिया वा घर सब्जी वगैरह ली है, इस तो लिया एक अज दिन पक, अज का दिन पक जाएगी, एक अज दिन पक जाएगी, लेकिन जिंदा जरा मेरी कुछ घर का जो काम करा रहे थे तो मैं दस रही थी मैं घर का काम करा रहा उत्ते मिस्त्री भी लगा रहे हैं, ठीक है ना, अल्लाह की मदद सब कुछ होगा, अल्लाह तला मदद करेगा इनशाला। इंसान को नहीं मंगना चाहिए हमेशा रब को मंगो, इंसान एक बार चीज दिता वा दस बारी सुना वा, एक बार किसी को खिला दस बारी सुना वा, ठीक है ना, अल्लाह तला देता वा जो पत्थर कीड़ा वा उन्हें भी रोजी दिता वा, अल्लाह तला एक बार भी दे के नहीं पछता, पता मेरे 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 बच्चे ने मैं अपने बच्चे दे रहा हूँ वो अल्लाह तला अपनी पूरी औलाद को खिला रहा, इंसान अपनी औलाद को खिलाना मुश्किल पेश होती इंसान वास्ते, अल्लाह तला सब रोजी दिखाई फुल फुल काय ना तो रोजी दिता वा, अल्लाह तला का लख दे करोड़ बार शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए वा, असं उपरों थोड़ा बहुत काम शुरू करा रहे हैं इस करके मैं भी थोड़े ज्यादा लेने से मैं चलो जिम्मे सब्जी पका पाने पैदा ने, वैसे मेरा इरादा बन रहा है मैं दस पंद्रह किलो आलू ना कट्ठे ले लवा, अब लड़के ने मैंने बिल्कुल सही देते आलू ना, और पता भाजी जी को मैं सब्जी लेनी मेरे को दो चार सब्जियां कट्ठिया ले लेंगी है, उन्होंने रैत करके ख्याल देते हैं आलू का रेट काफी ज्यादा वा महंगे हो गए, मटर बहुत महंगे हो गए, गाजर मैं देख के आराम गाजर समान में छू रही है, कह रहे थे कि तू भाजी कट्ठी चीज करनी वास्ते मैं रैत कर देते आलू, मेरा इरादा से दस पंद्रह किलो कट्ठे ले लवा, लेकिन फिर तक पांच किलो ले रहे फिर देखूंगी हो इस तरह फिर होर आलू लवानी, लेकिन कुछ मतलब जो अब तक खाना बनावे वो भी अपने भैन भरावान लाजमी शेयर करा इंशाला जिंदगी बगैर बना नहीं खाना, वैसे मैं थोड़ा जिना सवाल जना भी रखी बैठी हूँ टाइम भी जी काफी हो गया वा, ठीक है ना, हम अभी खाना बनावे वो भी अस अपने भैन भरावान शेयर करा। लो जी माशाल्लाह नीरा फातिमा अपनी मम्मा नंबर वन मम्मा नंबर टू दी हेल्प कराने वास्ते आ रही है जी। हाँ जी दसो जी तुहाडी दोवां दी बेटी ते आ गई है एनर्जी में लाओ काम जिहड़ा तुसीं लाना ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਛਿੱਲ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਆਦੂ ਦੀ ਵਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਜਿਹੇ ਦਾ ਟੋਟਾ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਵਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਟੋਟਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ परेशान सफर कैसे हो रहा, कोई मसला कोई टेंशन? चलो जी अल्लाह ताला खैर करे जी, मोटरसाइकिल वगैरह गुजर गया मेरे घर पर हम सोचना कर, हां जी सारे घर पर मोटरसाइकिल गुजर गया थोड़ा जना शोर आंदा से कोशिश तो करते हैं कि शोर ना आवे चाहे, हां मैं मशीन ले लगदा हूं ए केड़ी मशीन दा, हां ए मेरी हले ओ सीगा दूसरा हथौड़ी ना ना सेट किया है तो बस हमने ना हथौड़ियां हथौड़ी फिक्स की थी हुई सी छुट्टी बच्चे सारे घर ने माशाल्लाह भी घर आए हुए अज उन्होंने वास्ते जो स्पेशल डिश बनेगी वो भी असी अपने भैन भैन शेयर करेंगे, हाँ जी हाँ जी वो इन्होंने नसीब आ, लेकिन देख लो क्या लगा मैं कि भी जलाब को जो होके आके मैं सरगोधे चले गई सी सरगोधे लाहौर गई हाँ, ठीक है ना, तो सारी भैन वा मतलब उन्हें सू बुलाया से उन्हें गुफार में कहा कि भाई साजदार भी नाल लैके आना वा है वो मतलब कि जरा सी पर यूके च बाजी तो वह आई सी ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ
ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮਾਜੇ ਜੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ऐसे जी समान जो अज बेगम साहबा ने अपने भैन भेन शेयर किया जो स्पैशल मेहमान आए थे वह भी बेगम साहबा ने अपने भैन भेन शेयर कर लिया जी तो इतने हम बेगम साहबा ने दो इजाजत चलो जी लो अपने भैन भेन इजाजत मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरे भाई मेरा व्लॉग अच्छा लगे पसंद आए लाइक करे शेयर करो कमेंट करना ना भूलो सानू अपने दुआ में बहुत ज्यादा याद रखे से अपने भैन भाव अपने दुआ में बहुत ज्यादा याद रखते हैं अल्लाह पाक मेरे भैन भाई तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे अल्लाह ताला हर एक लोड़ की तोड़ ना देवे अल्लाह हर एक की जरूरत पूरी करे अल्लाह ताला हर एक की मुश्किल आसान करे अल्लाह ताला जी की औलाद नहीं है कि अल्लाह ताला उन्हें नेक सारी औलाद अता फरमाए जिन्होंने बच्चे मतलब के ना फरमान माँ बाप के वाले अल्लाह तला बच्चा भी फरमा बरदार बनाए औलाद उत्ते हमेशा माँ बाप माँ बाप का साया कामयाब रखे आमीन सुमा आमीन असि फिर इजाजत चाहवागे मिला भी अच्छा जहाँ लोग लैके अपने घर भी पहुँचा देवे अल्लाह समझने वाले अल्लाह हाफिज़।